नमस्कार, मैं हूँ दीपांशु चक्रवर्ती। और चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न दूसरा। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 की बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रकार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग जो है 1/7 के मान की सहायता से हम लोग 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के मान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखेंगे हम उन मानों को किन आधारों पर प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.3 में हमको सबसे पहले प्रश्न के अंतर्गत दिया है उतारना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। देखिए क्या दिया है हमको, हमें दिया है कि 1/7 का मान होता है 0.142857 और ये पूरे पे लगी है बार। जिन संख्याओं में बार लग जाती है उसका मतलब तो आप समझते होंगे स्टूडेंट्स कि उसका मान जो है बार बार आते जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1/7 बराबर, यदि बार के रूप में नहीं लिखना है तो 0.142857, 1/42857, 1/42857, ये आपका लगातार आते जाएगा। तो जितनी संख्याएं बार बार आ रही है उन संख्याओं को देखिए, ध्यान से देखिए क्या दिख रही है आपको, 1/42857। इसलिए स्टूडेंट्स, इन संख्याओं पे हम एक ऐसी रेखा खींच देते हैं जिसे बार कहते हैं। क्या कहते हैं? बार, है ना। तो जो संख्याएं बार बार आती है उनके ऊपर ऐसा बार लगा दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम इनकी सहायता से हम कैसे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्राप्त करते हैं किसका मान, 2/7 का। तो देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी आप किसी भी अंश बटे हर वाली संख्या में जब आप गुणा करते हैं किसी भी संख्या का, तो आप कैसा करते हैं, इस संख्या के हर में कुछ नहीं रहता तो आपको पता है एक रहता है। तो आप गुणा करते समय पर इन संख्याओं का जानते हैं कि अंश का गुणा अंश के साथ होगा और हर का गुणा हर के साथ होगा। अर्थात 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 और नीचे 1 गुणा 7 7 हो जाएगा, अर्थात 2/7। तो क्यों ना हम 2/7 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/7। देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा जो कि ऊपर चले जाएगा और नीचे 7 जैसा के जैसा रह जाएगा। तो इसका गुणा हम अंश से कर देंगे तो 2/7 हो जाएगा। तो 2/7 को हम लोग इस प्रकार से तोड़ भी सकते हैं, 2 गुणा 1/7। अब देखिए आप क्या कीजिए, 2 गुणा ये जो 1/7 की वैल्यू है आपको जो दी गई है उसे इसके स्थान पर रख दीजिए, अर्थात 0.142857 आप इसे रख दीजिए यहाँ पर। अब इस संख्या का गुणा आप इसके साथ कर दीजिए किस प्रकार से, तो 0.142857 इसका गुणा आप कर दीजिए किसके साथ, 2 के साथ। तो क्या हो जाएगा, 2 7 14 की 4 हासिल का 1, 2 5 10 और 11 की 1 हासिल का 1, 2 8 16 और 1 17 की 7 हासिल का 1, 2 2 4 और 1 5, 2 4 8, 2 1 2 दशमलव लगा दीजिए उसके बाद और फिर 2 0 0। तो देखिए आपका आया 2 8 5 7 1 4। एक बात आप समझिए, दशमलव के बाद की कभी भी संख्याएं हम लोग एक एक अंक करके ही पढ़ते हैं। अर्थात इसे हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो हम इसको पढ़ेंगे 2,85,714। दशमलव के बाद के अंकों को इस तरीके से कभी नहीं पढ़ा जाता, आप ध्यान रखिए इस बात का, है ना। तो जब हमने 1/7 का मान जो कि 0.142857 था उसमें हमने 2 का गुणा करे तो हमें प्राप्त हुआ 2 8 5 7 1 4। और इस पे जब हम बार लगाए थे तो इस पे भी हम लगा देंगे बार। इसका मतलब इसका मान हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, इसका मान हो जाएगा 0.285714। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका 2/7 का मान। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको जो है 3/7 का मान भी प्राप्त करना है। किस तरीके से करेंगे आप, 3/7 बराबर
अब क्या लिखेंगे आप, तीन गुणा शून्य सॉरी तीन गुणा एक बटे सात। तीन बटे सात को आप तोड़ सकते हैं किस प्रकार से, तीन गुणा एक बटे सात के रूप में। अब देखिए तीन गुणा एक बटे सात का मान रख दीजिए कितना था, तो 0.142857 पूरे की बार, ये है। अब आप क्या कीजिए, तीन का गुणा इस संख्या के साथ कर लीजिए। तो किस तरीके से गुणा कर सकते हैं आप, अब देखिए, तो आपका हो जाएगा देखिए 3 × 7 = 21, 21 की आ जाएगी एक, हासिल में चले जाएगा 2, 3 × 5 = 15 और 2 × 17, 17 के साथ हासिल का 1, 3 × 8 = 24, 24 × 1 = 25, 25 × 5 हासिल का 2, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 8, 3 × 4 = 12, 12 × 2 हासिल का 1, और 3 × 3 = 4। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ फिर लगा दीजिए दशमलव और 3 × 0 = 0, तो आपका 3/7 का मान क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो आपका 3/7 का मान हो गया 0.428571, और इस संख्या पे आपको बार लगाना जरूरी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग किस प्रकार से 1/7 की सहायता से हम लोग 2/7, 3/7 इनका मान प्राप्त करते जा रहे हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, आप जो है 5/7 और 6/7 का भी मान प्राप्त कर लेंगे। समझ में आ रहा है आपको, 5/7 और 6/7 का भी मान प्राप्त कर लेना है। चलिए 6/7 को मैं बता दे रहा हूँ, 5/7 आप निकालिएगा, 6 × 1/7 6/7 को लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम 5/7 को लिख सकते हैं, 5 × 1/7, आप इसका मान प्राप्त कर लीजिएगा। मैं 6 का और बता दे रहा हूँ, 6 × 1/7 का मान देखिए कितना है, तो 1/7 का मान है 0.142857 पूरे की बार। 6 × 7 = 42, हासिल का 4, 6 × 5 = 30, 30 × 4 = 34, 34 × 4 हासिल का 3, 6 × 8 = 48, 48 × 3 = 51, हासिल का 5, फिर 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 17 के साथ हासिल का 1, 6 × 4 = 24 × 1 = 25, हासिल का 2, 6 × 6 = 2 = 8, फिर दशमलव के स्थान पर दशमलव, 6 × 0 = 0। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका 6/7 का मान, और आप एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, यहाँ पर बार लगाना। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने जो है 1/7 की सहायता से हमने 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान प्राप्त किया। तो चलिए इसे आप और हल कर लीजिए, और बाकी आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। क्या कहता है प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको कुछ संख्या दी हुई है, आपको जो है उसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो प्रश्न क्रमांक तीसरे के पहले को हम लोग हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो संख्या दी है पहले नंबर पे, वो आपको दिख रही होगी 0.6 की बार। तो आप सबसे पहले उतारते समय उसे मान लीजिए, माना कि x बराबर, उसे जो है आप x के बराबर में मान लीजिए। x बराबर क्या है आपका, 0.6 की बार। क्या माने हमने, हमने माना कि x बराबर 0.6 की बार, है ना। ये जो 0.6 की बार दिया हुआ है, उसे आप x के बराबर में मान लीजिए। अब बार का मतलब आप समझते हैं कि जिस संख्या में लगी होती है वह संख्या बार बार आती है, अर्थात x बराबर 0.6666 अनंत बार आएगा स्टूडेंट्स। इसे आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसे आप दे दीजिए क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब क्या कीजिए स्टूडेंट्स, अब आप इसके दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में आप गुणा कर दीजिए 10 से, 10 से
गुणा करने पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, 10 से गुणा करने में दोनों पक्षों में क्या फ़र्क आएगा। तो पहले मैं आपको एक दूसरी संख्या लेकर बताता हूँ कि 10 से गुणा करने पर किसी भी संख्या में क्या फ़र्क आता है। तो जैसे हमारे पास है 7.29, ठीक है, 7.29। ध्यान से देखिए इस संख्या को, इसके दोनों, सॉरी, इस पर मैं जो है 10 का गुणा कर देता हूँ। अब देखिए 10 का गुणा करेंगे तो आपको पता है पहले इकाई का अंक शून्य से गुणा करेंगे, तो शून्य का गुणा करेंगे तीनों अंक के साथ, तो 0, 9, 0, 0 × 2, 0 और 0 × 7, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम दहाई के अंक अर्थात 1 से गुणा करेंगे तो नीचे का कुछ स्थान हमें छोड़ना होता है 1, फिर 1 का गुणा हम 9 से करेंगे तो 1 × 9, 9, 1 × 2, 2 और 1 × 7, 7 करते हैं, फिर हम इन अंकों को जोड़ देते हैं तो 0 के स्थान पर 0 आएगा, 9 और 0, 9 हो जाएगा, 2 और 0, 2 हो जाएगा और 7, 7 हो जाएगा। अब हमने तो गुणा किया था दशमलव वाले अंक का, तो हम यहाँ पर दशमलव कहाँ लगा दें, ये बात आती है। तो देखिए 7.29 में हम गुणा करें हैं 10 का, दोनों अंकों को मिलाकर देखिए कुल कितने अंकों के सामने दशमलव है, तो इसमें तो दशमलव नहीं है, केवल ऊपर वाली संख्या में दशमलव है, तो पीछे से दो अंक के पहले अर्थात इकाई और दहाई के फिर बाद में आपका क्या है दशमलव है, अर्थात यहाँ पर आपको क्या करना है, पीछे से दो अंक के पहले आपको दशमलव लगा देना है, 0 और 9 के पहले लगा देना है दशमलव। तो देखिए 7.29 में हमने गुणा करे 10 का, तो हमारा आंसर आया 72.90। तो 10 का गुणा करे थे हमने, इसमें किसका गुणा करे थे 10 का, और 10 में कितने शून्य था 1 शून्य, तो 1 शून्य वाली संख्या से अर्थात जैसे 10 से गुणा करने पर क्या फ़र्क आया कि दशमलव का जो अंक है, दशमलव है जो, वो एक अंक पीछे हट गया, अर्थात अब 7 से वो पहुंच गया किसके बाद, 2 के बाद, अर्थात वो हो गया 72। उसी प्रकार से मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको कि किसी भी संख्या में आप जितने दशमलव वाले अंक, सॉरी, जितने शून्य वाले अंकों का गुणा करेंगे दशमलव उतनी संख्या के पीछे चले जाएगा। जैसे आपके पास 99.9999 है, आप इसमें गुणा करेंगे 1000 का, तो 1000 में 3 शून्य होने की वजह से ये जो दशमलव है वो 3 अंकों के बाद चले जाएगा, अर्थात ये 9, 9 तो रहेगा पहले से ही, बाद के 3 अंकों के बाद और चले जाएगा, मतलब ये 3 बार 9 हम और लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर दशमलव लगा के फिर 1 9 लिखेंगे, तो 3 शून्य होने की वजह से 3 अंकों के बाद चले गया। तो ये एक हमारी ट्रिक भी हो जाती है स्टूडेंट्स कि जितने शून्य हैं उतनी संख्या के बाद पहुँचा दो, लेकिन यहाँ पर 1 भी रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे हम, यहाँ पर हम बिना गुणा करे इसका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम 10 का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो जो बायां पक्ष है इस तरफ वाला, तो 10 × x तो 10x हो जाएगा, परंतु जब हम इस पक्ष में, दाएं पक्ष में 10 का गुणा करेंगे तो 0 और ये जो दशमलव है, देखिए 1 शून्य है 10 में, इसलिए दशमलव जो है 1 संख्या के पीछे चल जाएगा, मतलब 0 के बाद दशमलव ना लगाकर 0, 6 के बाद हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, तो 0, 6.66666। अब आप कहेंगे सर आपने दशमलव यहाँ लगा दिया तो 6 4 बार बच रहा है, 4 बार नहीं बच रहा है, ये यहाँ पर अनंत बार था, यहाँ पर भी अनंत बार ही जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। बस फर्क ये है कि 10 से गुणा करने पर दशमलव जो है 1 अंक के बाद हो गया, ठीक, समझ में आ रहा है, ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, किसी भी संख्या के सामने 0 नहीं होता आप जानते हैं, तो आप उसे हटा दीजिए, तो उसे यदि आप हटा रहे हैं तो फिर आप इसे समीकरण नंबर 2 मत दीजिएगा, ठीक, इसके बाद वाले समीकरण को दीजिएगा। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 6.66666। अब आप इसे समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, इसे आप मत दीजिए क्योंकि आपने 0 हटा दिया है, हमें ज़रूरत इसकी पड़ेगी, ठीक। तो ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोनों समीकरण में दशमलव के बाद के अंक क्या बराबर हो गए, 6666 इसमें भी आ गया और 6666 इसमें भी आ गया। आपको फोकस करना है कि दोनों समीकरणों में दशमलव के बाद के अंक क्या बराबर आए या नहीं आए, यदि नहीं आते तो हम आगे और गुणा करते हैं, परंतु यदि आ जाते हैं तो हम गुणा नहीं करेंगे, अर्थात अब हमको क्या करना है, दोनों समीकरणों को एक दूसरे में से घटाना है या जोड़ना है। तो देखेंगे जो बड़ा समीकरण रहेगा, जैसे यहाँ 6.66 है और यहाँ 0.66 है, तो
तो बड़ा तो ये है, अर्थात बड़े अंक वाला समीकरण यही है। तो बड़े अंक वाले समीकरण में छोटे अंक वाले समीकरण को आप घटा दीजिए, अर्थात आप कर दीजिए क्या, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, जब आप घटाएंगे तब क्या होगा देखिए। तो घटाएंगे कुछ इस प्रकार से, आप सबसे पहले समीकरण लिख देंगे। देखिए समीकरण को कैसे घटाया जाता है, ध्यानपूर्वक देखिए। 10x बराबर 6.66666, ये बार बार आता जाएगा आपका। जब आप माइनस करेंगे समीकरण एक को तो देखेंगे x के नीचे आप लिखेंगे x, बराबर के नीचे लिखेंगे बराबर, और दशमलव के नीचे लिखेंगे आप दशमलव। तो ये वाला दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पर था शून्य और यहाँ पर भी आएगा आपका 6666, ठीक। और जब आप माइनस करेंगे तो क्या होगा देखिए, यहाँ से 6 में से 6 गया शून्य, 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 और दशमलव के नीचे दशमलव, और 6 में से शून्य गया 6 आ जाएगा, बराबर के नीचे लिखेंगे आप बराबर। तो ये 6 आगे चलते जा रहे थे तो यहाँ पर भी आगे 6 आते जाएंगे, अर्थात ये सब जो है आगे क्या होते जाएगा, शून्य होते जाएगा, ठीक है। और 10x में से जब आप 1x घटा लेंगे, देखिए आपके पास यदि 10 बॉल है, वहाँ से एक बॉल आपने कम करे तो आपके पास 9 बॉल बची। उसी प्रकार से जब आप 10x में से 1x को कम कर देंगे अर्थात घटा देंगे तो आपके पास बच जाएगा 9x। तो आपका आ गया क्या, 9x बराबर 6.000000। अब आप जानते हैं कि दशमलव के बाद यदि शून्य शून्य आ जाए तो उनका कोई भी अर्थ नहीं होता, उसे हमें हटा देना चाहिए। तो क्यों ना हम उसे हटा दें, तो आप अब 9x बराबर लिख दीजिए केवल 6। अब देखेंगे आप 9 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात गुणा है, तो गुणा वाले को आप कर दीजिए भाग में। तो x बराबर आ गया स्टूडेंट्स आपका 6/9। अब इसे न्यूनतम रूप में लाने का प्रयास कीजिए। न्यूनतम रूप में कैसे लाएंगे आप, तो यदि किसी संख्या का अंश और हर में भाग चले जाता है तो उससे आप उसे भाग देकर न्यूनतम रूप में ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर भाग चल जाएगा 3 का, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, तो x बराबर आ गया आपका 2/3। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका न्यूनतम रूप। और देखिए x के बराबर में हमने 0.6 की बार को माना था, जबकि x का मान आ गया 2/3, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि 0.6 की बार का मान जो है x नहीं होगा बल्कि क्या होगा, 2/3 होगा, अर्थात 0.6 की बार बराबर 2/3, और यही अभीष्ट परिमेय रूप है, अर्थात अंश बटे हर का रूप आ गया। तो यही अभीष्ट परिमेय रूप है, अर्थात P/Q रूप है। P/Q बोलिए या परिमेय रूप बोलिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। मैं अब आपको एक चीज़ और सिखा रहा हूँ कि आप अपने उत्तर की जांच कैसे कर सकते हैं, अर्थात 2/3 का मान क्या वापस सही में 0.6 की बार अर्थात 0.6666 आता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इस दो में आप भाग दे दीजिए 3 का, देखेंगे मान उतना आता है कि नहीं आता। अंश में हर का भाग देते हैं तो भाग देंगे तो देखेंगे 3 से भाग नहीं जाता, लगाएंगे आप शून्य, फिर दशमलव लगाएंगे उतारेंगे शून्य, तो 20 हो जाएगा, 3 × 6 = 18, घटाएंगे बचेगा 2, फिर दशमलव तो लगा चुके हैं उतारेंगे शून्य, 3 × 6 = 18, फिर 20 में से 18 गया 2 बचेगा, फिर उतारेंगे शून्य, 3 × 6 = 18। तो देखिए आपका आते जा रहा है वही है ना। इसका मतलब आपने जो हल किया है और जो मान प्राप्त किया है वह बिल्कुल सही है। 6 बार बार रिपीट हो रहा है, अर्थात 0.666 अर्थात 0.6 की बार आपका आंसर है, अर्थात 0.6 की बार का परिमेय रूप है 2/3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है आपको स्टूडेंट्स, 0.47 की बार, तो आप उसे उसी प्रकार से हल करेंगे जैसा अभी हमने इस क्वेश्चन को किया था। तो आप सबसे पहले मान लेंगे, माना x बराबर 0.47 की बार, तो
तो देखिए बार लगी हुई है सात पे, चार पे नहीं लगी, अर्थात चार रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है केवल सात। तो आप क्या कीजिए, x बराबर 0.4 को लिखिए एक बार, और सात जो है आपका आ जाएगा अनंत बार। तो इसे आप दे दीजिए समीकरण नंबर एक। अब आप क्या करेंगे, तो अब आपको पता है दोनों पक्षों में आपको 10 का गुणा करना है, तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, जब आप दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, बाएं पक्ष में हो जाएगा 10 गुणा एक्स 10x, और दाएं पक्ष में हो जाएगा आपका 10 गुणा 0.477777 अनंत बार आएगा। अब आप 10 का गुणा करेंगे तो आपको पता है क्या होगा, क्या होगा, दशमलव का जो एक अंक है वो थोड़ा सा पीछे हट जाएगा, है ना। दशमलव का अंक कितने, सॉरी दशमलव का चिन्ह कितने अंक के पीछे हट जाएगा, केवल एक अंक के, तो 0.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.4, और उसके बाद आप लगाएंगे दशमलव, 0.4777777। अब सामने का शून्य आपका कोई अर्थ नहीं है उसका, तो आप उसे हटा दीजिए, तो आपका हो जाएगा 10x बराबर 4.77777, और ये आ जाएगा अनंत बार। इसे आप दे दीजिए क्वेश्चन नंबर टू। अब आप देखिए क्या दशमलव के अंक अभी भी बराबर हैं, दशमलव के बाद यहाँ पर 4777 था और यहाँ पर दशमलव के बाद 777 है। ऐसी परिस्थिति यदि नहीं है तो आपको एक सरल विधि बता रहा हूँ, आप इसके आगे एक बार गुणा और कर दीजिए। किस तरह से, आप यहाँ पर लिखिए दोनों पक्षों में पुनः 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में पुनः 10 से गुणा करने पर, जब आप दोनों पक्षों में फिर से 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा आपका 10 गुणा 10x बराबर, राइट हैंड साइड पे हो जाएगा आपका 10 गुणा 4.7777, ये आपका ठीक है। अब आप देखिए 10 गुणा 10 हो जाएगा क्या, 100x बराबर। अब आप 10 का गुणा करेंगे तो फिर दशमलव कितने अंक के पीछे चल जाएगा, एक अंक के पीछे और चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4.7 अर्थात 47 दशमलव, फिर आपका जो है 7777 बार बार आएगा। अब आप इसे जो है समीकरण नंबर दे दीजिए 3। अब आप समीकरण एक को मत देखिए, आप देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 को। समीकरण 3 में दशमलव के बाद 7777 आया है और दशमलव के बाद 7777 समीकरण नंबर 2 में भी आया है, तो क्यों ना एक दूसरे से आप इसको घटा लीजिए। तो बड़ा समीकरण आपको समीकरण 3 दिखेगा और छोटा दिखेगा समीकरण 2, तो क्यों ना आप ऐसा कर दीजिए कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, आप घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 100x बराबर 47.7777। जब आप माइनस करेंगे किसको, समीकरण 2 को, तो समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 4, और दशमलव के नीचे आप दशमलव लिखेंगे, कभी भी आप ध्यान रखिए दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखना है, इस 4 को इस 4 के नीचे नहीं लिख देना, ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, फिर 7777 आ जाएगा। जब आप घटाएंगे तो क्या होगा, 7 से सब घटते जाएगा तो आगे तक शून्य होते जाएगा, दशमलव के नीचे लिख दीजिए आप दशमलव, 7 में से 4 गया तो आ जाएगा आपका 3, और ये 4 जैसा कि तैसा बच जाएगा, क्योंकि 47 में 4 गया तो 43 बचेगा। अब बराबर लिखिए, 100x में से 10x गया तो कितना जाएगा, 90x। तो देखिए दशमलव के बाद के शून्य कोई काम के नहीं रहते, हमने कहे थे, तो 90x बराबर जाएगा आपका 43, 90 गुणा वाला चल जाएगा भाग में, तो 43 बटे हो जाएगा क्या, 90। अब क्या कोई ऐसी संख्या होती है जिसमें अंश और हर दोनों में भाग चल जाए, तो ऐसी कोई संख्या आपके पास नहीं है, क्योंकि ये संख्या अभाज्य संख्या है 43, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अतः हम लिख सकते हैं 0.47 की बार बराबर आ जाएगा 43/90, और यही अभीष्ट
परिमेय रूप है, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका आंसर। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे के प्रश्नों को हम कल करेंगे, आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद, नोट कर लीजिए आप।